नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर महानगर पालिका के आम चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही अब सभी की नजरें चुनाव की घोषणा पर लग गई है। प्रभागों में आरक्षण के बाद स्पष्ट हो चुकी स्थिति के अनुसार अब कुछ प्रभागों में तो पुराने पार्षदों के लिए सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, लेकिन भाजपा की ओर से पहले ही कई पार्षदों के टिकट काटने के संकेत दिए जाने से ऐसे पार्षदों के घर बैठने की संभावनाएं जताई जा रही है। जानकारों के अनुसार इनमें से कई पार्षदों को पहले ही पार्टी की ओर से संकेत दिए जा चुके हैं, जबकि कुछ पार्षदों को पार्टी के कामों में जुटने को कहा गया है। मनपा में 15 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने के कारण भाजपा को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गडकरी और फडणवीस के नाम से कुछ हिस्सों में तो स्थिति मजबूत मानी जा सकती है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखते हुए कुछ भी कहना आसान नहीं है। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं की ओर से भी अलग से सर्वे होने की जानकारी उजागर हो रही है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के जरिए भाजपा सबसे काबिल उम्मीदवार ही मैदान में उतरेगी। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के संलग्नित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों ने सोमवार को सरसंघ चालक कार्यालय के सामने आंदोलन किया। इस दौरान वेतन कटौती का विरोध किया गया। दरअसल छठे वेतन आयोग के संबंध में संगठन के माध्यम से 2013 में 71 दिनों तक आंदोलन किया गया। इसमें शामिल प्राध्यापकों के वेतन कटौती के बारे में तत्कालीन उच्च शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया था। प्राध्यापकों का कहना है कि यह आदेश ही अनुचित था। इसके विरोध में न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय के बकाया देने 8% रकम बढ़कर देने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने न्यायालय की भी अवमानना की। छठे और सातवें वेतन आयोग की रकम 8% बैच सहित नहीं दी गई। इसके विरोध में महाराष्ट्र प्राध्यापक संघ की ओर से विविध चरणों में आंदोलन की शुरुआत की गई। नोटा के सचिव प्रोफेसर नितिन कोंगरे के नेतृत्व में सरसंघ चालक कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस दौरान उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर उच्च शिक्षा सचिव व उच्च शिक्षा संचालक के अशोभनीय रवैये का निषेध किया गया। आंदोलन में अनिल ढगे, प्रोफेसर अजीत जाचक, साहूरकर ने प्राध्यापकों को संबोधित किया। बाद में सरसंघ चालक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय 8 स्नातकोत्तर विभागों में प्रवेश के लिए इस वर्ष 11 अगस्त को प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए सोमवार 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने सोमवार को सर्कुलर जारी किया है। छात्र 7 अगस्त को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छात्र 9 तारीख को वेबसाइट पर लॉगिन कर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ₹20 शुल्क ले चुका है। अब ओपन कैटेगरी के छात्र जो प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं उन्हें ₹350 और कैटेगरी के छात्रों को ₹250 देने होंगे। विश्वविद्यालय विभाग में MSc की करीब 530 सीटें हैं। अन्य संकायों से भी इतनी सीटें हैं। पिछले साल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया लागू की थी। इस वर्ष उन्हें रद्द किया जा रहा है और कॉलेज स्तर पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। यह उल्लेख किया गया है कि कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 1 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। वोटिंग कार्ड से आधार लिंक कर लोकतांत्रिक यंत्रणा को अधिक मजबूत सरल करने के अभियान की जिले में शुरुआत हो गई है। पहले दिन 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधार लिंक का आवेदन जिला प्रशासन को पेश किया। जिलाधिकारी आर विमला ने आवेदन स्वीकार किया। गडकरी ने अपील की है कि सभी नागरिक इस ऐच्छिक अभियान में सहभागी हो। गडकरी के साथ ही उनकी पत्नी कांचन गडकरी व परिवार के सभी सदस्यों, विधायक प्रवीण दटके, अनिल सोले ने भी नमूना 6B आवेदन भरकर जिलाधिकारी को दिया। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान प्रभारी उप जिला चुनाव अधिकारी राहुल सारंग, हेमा बड़े, चैताली सावंत उपस्थित थे। मतदाता सूची में एक ही समय पर अनेक जगहों पर नाम होने व अन्य दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। कपिल नगर स्थित विश्व के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक लाइब्रेरी पूरे महाराष्ट्र सरकार मान्य मात्र एक लाइब्रेरी है। मुंशी प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार पूरे विश्व में और कोई नहीं हुए, इसलिए उनको उपन्यास सम्राट की पदवी से नवाजा गया। हाल ही में उनकी 142वीं जयंती नारी रोड कपिल नगर में शासन मान्य वाचनालय में बड़ी धूमधाम से उपन्यास प्रेमियों द्वारा श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम में आशीष मिश्रा, सुरेश साखरे, काशीराम यादव, हनी तिवारी, एजाज खान आदि मान्यवर उपस्थित थे।
नागपंचमी पर सपेरे पाए जाने पर नागरिकों को वन विभाग को सूचित करना चाहिए, इस आशय का आह्वान वन विभाग के अधिकारियों ने किया है। आज 2 अगस्त को नागपंचमी है। इस अवसर पर अक्सर सपेरे विविध प्रकार के सांप या कोबरा ले जाते दिखाई देते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नजर आए तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। कुछ लोग इस दिन कोबरा ले जाते हैं और घर घर जाकर उन्हें दूध पिलाने का आग्रह करते हैं। दरअसल सांपों के लिए दूध प्राकृतिक भोजन नहीं है और वे इसका सेवन नहीं करते। हालांकि कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास का शिकार होकर ऐसा करते हैं जो इन मुख जानवरों के लिए प्रताड़ना की तरह होता है। ऐसे व्यक्ति सांपों को बिलों से पकड़ते हैं और तस्करी के दौरान उनके निवास स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं या उसे घायल कर देते हैं। खाद्य श्रृंखला में सांप एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर नागरिकों को टोल फ्री नंबर 1926 या नजदीकी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में मौजूद अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। नागपुर के उप वन संरक्षक डॉक्टर भरत सिंह हाडा ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सांपों को चोट पहुंचाना दंडनीय अपराध है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत कलमना से राजनांदगांव के सेक्शन में यार्ड मॉडिफिकेशन और इलेक्ट्रिशियन नॉन इलेक्ट्रॉनिक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें 3 अगस्त तक रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों के परिचालन के बदलाव किया गया है। इसमें मंगलवार को आने वाली ट्रेन नंबर 12105 मुंबई गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस को नागपुर में ही समाप्त कर दिया जाएगा। वही ट्रेन नंबर 12106 गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस गोंदिया के बजाय नागपुर से ही परिचालित की जाएगी। इस प्रकार कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस भी शनिवार को नागपुर में समाप्त होगी और अगले दिन रविवार को गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर नागपुर से ही परिचालित की जाएगी। वही शनिवार को विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस रविवार 7 अगस्त को रायगढ़ निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस और संतरागाछी नांदेड़ एक्सप्रेस जबकि सोमवार 8 अगस्त को भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष तक ऑनलाइन क्लासेस चली रही। अब इस सत्र से पूरी क्षमता के साथ स्कूल शुरू है। इसी के साथ ही जिला परिषद के स्कूलों में इस बार छात्रों की संख्या बढ़ी है। इससे छात्रों को मिलने वाली किताबें भी कम पड़ रही है। शिक्षा विभाग ने सरकार से अधिक किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। स्कूल शुरू होने से पहले जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने 2021 से 22 वर्ष के यूडायस नंबर के आंकड़ों के अनुसार पुस्तकों की मांग की थी, लेकिन मांग के अनुरूप बाल भारती की ओर से आपूर्ति नहीं की गई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहली से 8वीं तक के छात्रों को निःशुल्क किताबें दी जाती है। शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन छात्रों को किताबें मिल सके, इसके लिए कुछ दिन पहले ही नियोजन कर बाल भारती के पुस्तकों में ऑनलाइन पंजीयन किया गया था। जिला परिषद स्कूलों में 29 जून को किताबों का वितरण किया गया, लेकिन सभी छात्रों को सभी किताबें नहीं मिल सकी। शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए करीब 23,268 ज्यादा पाठ्य पुस्तकों की मांग की थी। बताया गया कि बाल भारती बची हुई किताबों की आपूर्ति करेगी। उपमंडल अधिकारी श्याम मदनूरकर ने कामठी तहसील में खासा राग बांध फटने की घटना की जांच करते हुए मुख्य अभियंता राजेश कराड़े, अधीक्षण अभियंता शिरीष वाट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत लापरवाही का दोषी पाया है। दिलचस्प बात यह है कि जब 16 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे खासाला ऐश डैम फटा तो अचानक राग के साथ पानी की बाढ़ आ गई। बाढ़ की राग के साथ मिश्रित पानी खसाला कौठा सुरदेवी के गांव में घुस गया और किसानों की फसलों के साथ घरों सड़कों और सिंचाई नहरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अनुमंडल अधिकारियों ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता का लिखित बयान संतोषजनक नहीं है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि राग बांध का काम अधूरा है। मुख्य अभियंता की ओर से संबंधित ठेकेदार को स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि आदेश की प्रति में मुख्य अभियंता की ओर से ठेकेदार का नाम गुप्त रखा गया था। मौजा मसाला में 12 घर ढह गए। 25 किसानों को 4,42,000 रुपए का नुकसान हुआ है। किसान फुलचंद बरबतकर की भैंस की मौत हो गई। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में 6 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि राउत को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत रविवार देर रात 12:05 पर हिरासत में लिया गया। इसके विरोध में सोमवार शाम 4 बजे वाड़ी स्थित MIDC चौक पर शिवसेना ने रास्ता रोको आंदोलन किया। PI प्रदीप रायनावकर ने तगड़ा बंदोबस्त कर रखा था। हिंगना विधानसभा सह संपर्क प्रमुख दिवाकर पाटने, तालुका अध्यक्ष संजय नास ने, शहर प्रमुख मधुमान के पाटिल के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। शिव सैनिकों ने शुरुआती दौर में इकट्ठा होकर ईडी व सरकार तथा भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के खिलाफ नारे लगाए। शिवसेना नेता दिवाकर पाटने ने कहा कि सरकार ईडी को सामने रख शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन ये सफल कभी नहीं होगा। केवल 10 लाख रुपए घर में मिले तो ईडी ने सख्त कार्रवाई की। शिवसेना कार्यकर्ताओं के अनुसार ये राउत के साथ अन्याय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र विकास के साथ ही उनके नित्य कार्य के लिए राजस्व विभाग से नागरिकों का रोज खान आता है। इनमें जात प्रमाण, डोमिसाइल, लक्ष्मी मुक्ति योजना के तहत महिला खाताधारी महिला किसानों को 7/12 के दस्तावेज देना, अंत्योदय योजना लाभार्थियों के लिए पत्रिका वितरण आदि महत्वपूर्ण कार्य वर्ष भर होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे कार्यों को निभाने वाले कर्मियों में पटवारी शंकर देवलकर, प्रियंका वानखेड़े, निशांत नन्नावरे, शुभांगी काले तथा सेवक दास पाटिल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार अनिरुद्ध कामले ने नागरिकों से सौजन्यता बरकरार रखकर राजस्व विभाग की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का आह्वान कर्मचारियों से किया। समारोह में पूर्व उपसभापति कृष्णा घोड़ेस्वार, नायब तहसीलदार राठौर मुर्मे तथा श्रीमती वैद्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नाकाड़े सर ने किया और किरण यावलीकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 1 अगस्त को राजस्व दिवस मनाया जाता है। राज्य तथा देश की भूमि तथा भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्व विभाग को शुरू किया गया था, पर अब राजस्व विभाग को गौण खनिज स्वामित्व, मनोरंजन कर, सभी प्रकार के चुनावी यंत्रणा को संचालित करना, राष्ट्रीयत्व, जाति प्रमाण पत्र, उत्पन्न प्रमाण पत्र, नैसर्गिक आपत्ति व्यवस्थापन जैसे नागरिकों के सर्वांगीण जीवन के लिए आवश्यक अधिकांश कार्यों का संचालन करना पड़ता है। काटोल तहसील के तहसीलदार अजय चरडे ने सोमवार को कोंढाली के नायब तहसीलदार कार्यालय में जाकर राज्य सरकार के लक्ष्मी मुक्ति योजना की जानकारी कर्मचारियों तथा नागरिकों को दी। कोंढाली नायब तहसीलदार के कार्यक्षेत्र में 30 महिलाओं को 7/12 के दस्तावेज वितरित किए गए, साथ ही 7 जाति प्रमाण पत्र, 37 इनकम टैक्स संबंधित दस्तावेज, 4 श्रावण बाल योजना संबंधित दस्तावेज वितरित किए गए, 28 अन्य मामलों की मंजूरी दी गई। साथ ही तहसीलदार अजय चरडे के उपस्थिति में कुल 133 मामलों को निपटा लिया गया। 31 जुलाई का दिन सर्प मित्रों के लिए बड़ा ही कठिनाई भरा रहा, जहां सांवेर शहर तथा आसपास के गांवों की विविध जगह से दर्जनों सांपों को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इनमें विविध प्रजातियों के छोटे बड़े तथा विषैले सांपों को बड़ी ही सावधानी से पकड़कर उन्हें जंगलों में छोड़ उनके प्राण बचाने का कार्य इन सर्प मित्रों ने किया। समस्या का सुखद आनंद होने पर इन सर्प मित्रों के चेहरों पर साफ खुशी नजर आई। अक्सर इंसान सांपों के बारे में अनेक गलत धारणाएं बनाए रखता है। हमारे फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि सांप दूध पीता है, सांप बदला लेता है, सांप से काटने पर संबंधित व्यक्ति को तंत्र मंत्र तथा जादू टोने से बचाया जा सकता है। ये सब गलत फहमियां हैं। सांप दरअसल इंसान का सबसे बड़ा मित्र होता है तथा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक साबित होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन्हें देवताओं की श्रेणी में रखकर उन्हें पूजनीय स्थान दिया है। श्रावण मास तथा नागपंचमी को इन्हें बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। फिलहाल बारिश तथा खेती करने के दिन है, ऐसे में खेत खलियान तथा घरों के आसपास जमे कचरे के ढेरों में सांप पाए जाते हैं। सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज अलुमनी एसोसिएशन एवं NHUM UPHC के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बूस्टर डोज वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन कामठी वासियों के लिए किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय चौहान की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शबनम खामुनी उपस्थित थी। इस अवसर पर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रेणु तिवारी एवं वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। प्रिंसिपल डॉक्टर विजय चौहान ने अपने अध्यापित संबोधन में बूस्टर डोज के प्रति विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा प्राध्यापकों को जागरूक किया तथा बूस्टर डोज लेने के लिए प्रेरित किया।
इस मौके पर कॉलेज के प्राध्यापकों में डॉक्टर रतिराम चौधरी, डॉक्टर जे वी रामटेके, समृद्धि शपरे तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों में धीरज बेहर, मानन वानखेड़े, अचल रामेकर, संजय हरडे सहित 50 से अधिक लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाए गए। एलुमनी एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत बासु ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष परिश्रम किया। वहीं डॉक्टर किशोर ढोले, डॉक्टर सुदीप मंडल, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन, डॉक्टर अनिल खोबरागड़े, डॉक्टर समृद्धि शपरे, हेमंत शर्मा, धीरज कनौजिया, अमर वानखेड़े, सुमित्रा वाघरे, सत्यप्रभा मेंढे, विशाल नारदिलवार आदि ने अपना महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान देकर सहकार्य किया। 25 फरवरी 2014 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में कन्हान नदी में नए पुल का भूमि पूजन होने के बाद से लेकर अब तक लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कन्हान पुल का नागरिकों के लिए न खुल पाना सबके लिए चिंता का विषय है। ये न केवल हमारे सरकार की विफल कार्यप्रणाली को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक मतभेद के चलते किस तरह महत्वपूर्ण प्रकल्पों में भी देरी होती है, इस बात को स्पष्ट करता है। कन्हान पुल को लेकर कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने कन्हान पुल से यातायात शुरू करने को लेकर मुद्दा उठाया है। कन्हान नदी पर बन रहे पुल का कार्य अब 9 साल से चल रहा है। इस पुल की निर्माण प्रक्रिया को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे सहित तत्कालीन पशु संवर्धन विकास मंत्री सुनील केदार द्वारा 26 जून 2022 को कन्हान पुल से पुनः यातायात शुरू करने को लेकर की गई थी, लेकिन राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद पुल का उद्घाटन नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार कन्हान पुल उद्घाटन को लेकर 10 जुलाई की नई तिथि की जानकारी दी गई, परंतु राजनीतिक अखाड़ा बन चुका ये पुल 10 जुलाई को भी शुरू नहीं हो पाया। अतः इस मुद्दे को लेकर पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्थानीय अधिकारियों से अति शीघ्र इस पुल को शुरू करने की मांग की और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस मसले का विस्तृत वर्णन देते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इन दिनों देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के अंतर्गत पार्श्वनी शहर और आसपास के गांव कस्बों में नागरिकों को बिजली विभाग की ओर से परियोजनाओं की जानकारी पथनाट्य के माध्यम से दी गई, जिसके लिए नियमित कर्मचारी बाह्य स्रोत कर्मचारियों द्वारा उत्साह पूर्वक क्रमशः 4,000 एवं 1,000 जनसंख्या वाले तामसवाड़ी और बिठौली गाँव में जागरूकता फैलाई गयी। दरअसल उसी साप्ताहिक बाजार के चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी का लाभ उठाते हुए कर्मचारियों ने नाटक प्रस्तुत कर लोगों को सौर ऊर्जा एवं पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी दी। पथनाट्य में 50 से 60 कलाकारों ने हिस्सा लिया और सौर ऊर्जा के बारे में नागरिकों को विस्तृत जानकारी दी। इस पथनाट्य में गायकवाड़ मैडम के मार्गदर्शन में लोधी, कालसर्पे, सूर्यवंशी, मोहन, अक्षय, संगीता ने ऊर्जा संबंधित विविध विषयों पर जानकारी दी। महावितरण द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी पथनाट्य के माध्यम से जानकारी दी गई। लेआउट का फर्जी नक्शा बनाकर सरकारी नियमों के विरुद्ध कार्य करने एवं प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी के कार्रवाई को अंजाम देने का मामला सामने आया है। प्लॉट धारकों ने इस संबंध में कन्हान थाने में शिकायत की है। पत्र परिषद में प्लॉट धारकों ने बताया कि संताजी नगर कांद्री कन्हान में भू माफिया अजय बाबूराव शेंद्रे के भाई अविनाश बाबूराव शेंद्रे, सुमन बाबूराव शेंद्रे ने कांद्री में गेहूं हिवरा रोड पर लेआउट भूखंड विकास योजना अंतर्गत यूएलसी एक्ट 1976 के अनुसार तरेगांव दाभाड़े योजना के अंतर्गत मौजा कांद्री खसरा क्रमांक 255/2 का खेत उमाशंकर एस गुप्ता से खरीदा था। उस जगह पर शेंद्रे बंधुओं ने साई नगरी के नाम से लेआउट डालकर प्लॉट बेचे। मंजूर नक्शे में पीयू लैंड, ओपन स्पेस, रेटनेबल जगह, रेजिडेंट, सार्वजनिक में इस्तेमाल की खुली जगह का प्रावधान किया गया था, लेकिन अधिक पैसा कमाने की लालच में शेंद्रे बंधुओं ने लेआउट का फर्जी नक्शा बनवाकर पीयू लैंड, ओपन स्पेस, रिटेनेबल जगह, रेजिडेंट, सार्वजनिक इस्तेमाल की खुली जगह पर प्लॉट बनाकर बेच दिए। प्लॉट धारकों की ओर से बार बार मांग करने के बावजूद ग्राम पंचायत की ओर से बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने पर धोखाधड़ी उजागर हुई। मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत पिछले एक माह में ऑटोमेटेड वेडिंग टिकट मशीन से 8,01,000 रुपए की जनरल टिकटें बेची गई। खास बात है कि ये आंकड़ा केवल नागपुर स्टेशन का है, पूरे मंडल में ये आंकड़ा 35,10,000 रुपए रहा। उल्लेखनीय है कि टिकट काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एवीटीएम मशीनों का उपयोग करीब 6 वर्षों से किया जा रहा है। हालांकि कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से जनरल टिकट बिक्री बंद होने से एवीटीएम का उपयोग भी बंद था, लेकिन 29 जून 2022 से पुनः जनरल टिकट बिक्री शुरू होते ही एक बार फिर एवीटीएम सुविधा शुरू कर दी गई है।
मध्य रेल नागपुर मंडल के वाणिज्यिक विभाग के अनुसार वर्तमान में नागपुर स्टेशन पर 6 एवीटीएम मशीन शुरू है, जिसके लिए वेंडर भी नियुक्त है। 29 जून से जनरल टिकट की बिक्री दोबारा शुरू की गई। जानकारी के अनुसार 31 जुलाई तक इन 6 मशीनों से कुल 6,120 जनरल टिकटें बेची गई, जिन पर 8,871 यात्रियों ने विविध ट्रेनों में सफर किया, यानी प्रतिदिन औसतन 191 टिकटों की बिक्री रही। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 3,946 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,57,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 14,11,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।